ओके जी, अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल. दिस इज नबील, इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स, एंड वी आर स्टार्टिंग आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स टुडे फॉर मैट्रिक क्लास. वी वर डिस्कसिंग चैप्टर 1. वी वर ऑन चैप्टर नंबर 1. इन द प्रीवियस क्लास, बतूल. ओके बतूल, ओके. इन द रब्बिश राहली सदरी इन द नेम ऑफ गॉड, रब्बिश राहली सदरी वैसरली अमरी वालु लुब्द दम मिल लिसानी यफकहू कौली. बेटा ये जो दुआ है इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता चलूं. ये दुआ कितनी इम्पोर्टेंट दुआ है जो मैंने अभी पढ़ी है. ये वो दुआ है, अल्लाह इसमें कमी बेशी माफ़ फरमाए, जो हमारे नबी हज़रत मूसा, और आई गेस हज़रत इब्राहिम, इन दोनों में से कोई एक नबी थे जो ये दुआ पढ़ा करते थे अल्लाह से. और इसका आप तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूँगा कोई बच्चा मुझे इसका तर्जुमा भी सुना. और इसमें बेसिकली इस दुआ का टॉपिक ये बताया गया है कि अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हम किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं और वो हमारी बात समझ नहीं पा रहा होता. हालांकि हम बहुत आसान लफ्ज़ों में और बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, लेकिन हमारी ज़बान में कुछ ऐसी ग्रह लगी होती हैं अल्लाह की तरफ से कि वो हमारी बात किसी के दिल में नहीं उतर रही होती, समझ में नहीं आ रही होती. तो मैं जब भी किसी लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ या कभी कहीं इंटरव्यू देने जाता हूँ या कहीं जॉब के लिए जाता हूँ, तो मैं किसी से बात करने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ता हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत फ़ायदा भी होता है. आप लोग भी इसको अपनी प्रैक्टिस बना लें, क्योंकि जब हज़रत, आई गेस मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, हज़रत मूसा की जो कौम थी उनको उन्होंने बहुत मेहनत की थी उनको अपनी बात समझाने के लिए, तो वो उनकी बात समझते नहीं थे और अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ आते नहीं थे. तो वो अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह की मेरी ज़बान की ग्रहें खोल दें ताकि जो मैं कह रहा हूँ वो ये बात समझ जाएँ. ये समझ नहीं रहा, हालांकि बात भी बहुत अच्छी है कि अल्लाह की इबादत करनी है और मैसेज भी बहुत अच्छा वो दे रहे थे, उसमें कोई बुराई भी नहीं थी, बहुत पावरफुल मैसेज था, लेकिन स्टिल लोग उनकी बात समझ ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो अल्लाह से दुआ मांगा करते थे. अच्छा जी, हम लोग बेटा प्रीवियस क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स. और बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 एक साथ स्टार्ट करेंगे. यानी कि हम एक क्लास में चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा हमारा और एक चैप्टर 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का कोर्स थोड़ा लेंदी है और आप लोगों की एक कम्बाइंड क्लास भी रखी है 9 के साथ, तो आप उनके साथ भी एक सेशन लेंगे, उसमें अलग चैप्टर पढ़ेंगे. ये वो चैप्टर रिसेंटली पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जो हूँ आप लोगों को उनके साथ ये चैप्टर नहीं करवा रहा हूँ, अलग से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी इनके साथ पहुँच जाएँ. अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हमने सबसे पहले फिजिक्स देखा, फिजिक्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझी, और इसके बाद हम जाएंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स पे, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. आज हम ये ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का टॉपिक भी करेंगे और कोशिश करेंगे साथ ही साथ हम जो तीसरा और अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि इनकी कंट्रीब्यूशंस, ये आप लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके हो तो न्यू चीज तो नहीं है, ये इनकी कंट्रीब्यूशंस भी हमने पढ़नी है. ये टोटल 5-6 साइंटिस्ट जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है, जिनके मुताबिक पेपर में पूछा जाता है. तो फिजिक्स की डेफिनेशन तो आई गेस सबको क्लियर हो चुकी थी हमारी लास्ट क्लास में. अब हम जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की तरफ. बेटा फिजिक्स की ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें जो है वो कुछ ब्रांचेस को पढ़ना है इस लेवल पे जो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के. पहले मैं नाम बता देता हूँ, फिर इनके बारे में आपको मैं लिखवा भी दूंगा. फिजिक्स की जो ब्रांचेस है बेटा, मेनली वो मैकेनिक्स है, जिसमें हम गाड़ियों के या बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद जो आपको बताया गया है एटॉमिक है, इनका नंबर आगे पीछे हो सकता है बेटा, एटॉमिक फिजिक्स है,
सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। अभी मैं इनको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो बेटा तो वो रेज हैंड कर सकता है, अपने चैट ऑप्शन में जाएंगे आप लोग तो रेज हैंड का ऑप्शन, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई फलां साहब या साहिबा जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बाद है प्लाज्मा फिजिक्स है, ये तीनों मिलती जुलती है इसलिए मैंने नाम साथ लिखवाया। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद अगर आप देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर जो है हम बिजली के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। और उसके बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हैं सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें एस्ट्रोफिजिक्स भी आ सकती है। ये इस हिसाब से बेटा हम पढ़ रहे हैं जो आपके कोर्स बुक में अवेलेबल है, ऑब्वियसली इसके अलावा बहुत सारी होंगी। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट, ये सारी हो गई हैं। आई होप मैं कोई भूल नहीं रहा हूँ। बायोफिजिक्स में शायद भूल रहा था, बायोफिजिक्स। बेटा पहले मैं इन सारी ब्रांचेस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको और उसके बारे में फिर इनकी डेफिनेशंस भी लिखवा दूंगा, ठीक है। असल में मुझे लिखवानी तो नहीं चाहिए, ये आप लोगों को टास्क देना चाहिए, लेकिन चलें कोई मसले की बात नहीं है। अनस अली भी आज आ गए हैं भाई, वाह, और हमजा अली भी आ गए हैं हमारे पास, थोड़ा लेट आए हैं लेकिन आ गए हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा बच्चों, मैं फिर से एक दफ़ा बताता चलूँ कि हम लोग जो क्लासेस ले रहे हैं माई डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक बात का ख्याल रखना है कि आप सब लोग म्यूटेड होंगे और थ्रू आउट जो है आप लोगों का माइक जो है वो म्यूटेड रहेगा। और बच्चों अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो वो रेज हैंड करेगा जिसका मैं आंसर दूंगा, ठीक है। सेशन के एंड में मैं अनम्यूट कर दूंगा सबको, तो क्यू एन ए सेशन भी हो जाएगा एक, कि अगर आपको लेक्चर के हिसाब से कोई चीज़ पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं हमज़ा, अब्दुल राफे, बतूल, तानिया, मरियम, तनीशा, शहीद, फारिस, आयशा, सुहेल, आलियान, आयशा रिजवान, अनस अली और हमज़ा। देखें स्टूडेंट, आप लोग अपने कैमराज ओपन रखने हैं तो प्लीज़ आप लोग अपने कैमराज ओपन कर लें, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस, ओके। आप लोग अपने कैमराज ओपन रखने हैं बेटा। हाउएवर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस to record the lecture with that bandwidth when the cameras are open because the data rate is so high, but ye kuch SOPs hain jo hame follow karni hai. Hamza, aapka camera open nahi hai. Abdul Rafe, Batul, Tania, Shahir, Faris, Alian, please beta apne cameras open rakhe. Hamza, ठीक है, हमजा अली, हमजा खान, अब्दुल राफे, बतूल जहरा, थैंक यू अब्दुल राफे, थैंक यू आयशा रिजवान, हमजा खान प्लीज बेटा जल्दी से अपना, आलियान थैंक यू हमजा, बतूल, शहीर, फारिस, अनस अली, थैंक यू फारिस, आपने भी कैमरा ऑन कर दिया है। बतूल और शहीद रह गए हैं बेटा, आप लोगों के कैमराज ओपन चाहिए। बतूल, आपकी तो आज पहली क्लास है तो आपको बताता चलूं बेटा, आपने कैमराज ओपन होने चाहिए, आपके पास एक रजिस्टर और एक पेन होना चाहिए ताकि जो पॉइंट्स नोट करवाए जाएं वो आप लोग नोट कर लें, ठीक है स्टूडेंट, ओके। मूविंग बैक टू द टॉपिक, शहीद बेटा आपका कैमरा ओपन नहीं है, जल्दी से कैमरा ओपन कर लें, मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ और मैं दोबारा चेक करता हूँ, अगर कैमरा ओपन नहीं हुआ तो फिर मैं आपको वेटिंग रूम में भेज दूंगा। अच्छा जी,
मैकेनिक्स बेटा ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इस मैकेनिक्स को फिर आगे फर्दर दो और में डिवाइड किया जाता है, हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, हम इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में एक होता है काइनामेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, और एक होता है डायनामिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है व्हेन वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। कि वो जो बॉडी का मोशन हो रहा है वो किस फोर्स की वजह से हो रहा है, उसका अगर हम रेफरेंस दें या ना दें तो उसको तो हम बोलेंगे मैकेनिक्स। अगर हम रेफरेंस नहीं दे रहे, यानी कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे काइनामेटिक्स क्या है, तो काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी कि अगर विदाउट पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स क्या बन जाएगी, काइनामेटिक्स, और अगर विद रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं तो वही मैकेनिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक्स। जैसे थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का मतलब है कि जो बॉडी का मोशन हो रहा है वो थर्म, थर्म यानी कि हीट, थर्मल एनर्जी होता है ना, जैसे थर्म का मतलब होता है हीट, जो हीट की वजह से वो मोशन, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो बेसिकली मैकेनिक्स क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। काइनामेटिक्स का जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। डायनामिक्स के बारे में क्या पढ़ोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फोर्स, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड जो ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। बहुत ही आसान है, इसको याद रखना भी आसान है। एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें हम एटम्स के मुतालिक पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एटम का स्ट्रक्चर, एटम की प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटीरियल्स। कितनी आसान डेफिनेशन है, ठीक है, मैं भी आप सबको बेटा ये बारी बारी डिक्टेट और लिखवा भी दूंगा, तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, मैं तो अभी जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इतनी देर में सारे बच्चे जो हमारे पास वो रेडी हो जाएं। हसन और शहीर और बतूल, बेटा आपके कैमराज ओपन नहीं है। अनस अली, थैंक यू फॉर योर कैमरा। जी शहीर, शहीर हसन, योर कैमराज शुड बी ओपन बेटा। बतूल, शहीर एंड हसन, योर कैमराज शुड बी ओपन। ओके, आई एम सेंडिंग यू गाइस इन द वेटिंग रूम। जब तक आपका कैमरा ओपन नहीं होगा भाई, मैं आपको फिर दोबारा अलाउ नहीं करूंगा क्लास। शहीर साहब का कैमरा ओपन नहीं हुआ है अभी तक। शहीर भाई क्या कह रहे हैं चैट में देख लेते हैं। सर, आई हैव नो ऑप्शन इन माय कंप्यूटर। बेटा आपको कैमरा होना चाहिए ना कंप्यूटर में, क्यों नहीं होना चाहिए, सबके पास है कैमरा। कल आप कह रहे थे कैमरा वर्किंग नहीं है, कल की भी चैट आपके पास, आपकी पड़ी है मेरे पास, अब आप कह रहे हैं वर्किंग में नहीं है। शहीर, नहीं 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 तानिया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैं तो आपको जो लिखवाऊंगा वो शॉर्ट डेफिनेशन होगी, बुक में लिखी हुई डिटेल। आप लोग कोई नोट्स फॉलो कर रहे हो अपनी तरफ से तो वो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे उसमें से लिख कर दिखा दें ताकि मैं चेक कर लूँ कि भाई वो इनफ है या नहीं है, ठीक है, वो इनफ है या नहीं है। चले, मैं आज की क्लास में आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ बच्चों, नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये कैमरे वाला मामला नहीं चल पाएगा। अच्छा जी, बेटा मैं वो डेफिनेशंस बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। बुक में तो देखो हेडिंग वाइज डली हुई नहीं है, मैं तो ये हेडिंग्स भी बनवा दूँ, ठीक है, अभी इनके मैं लिखवा भी दूंगा। वन और टू लाइन डेफिनेशन, आप लोगों के पास
किसी के पास किसी कोचिंग के नोट हैं, किसी के पास कहीं के नोट हैं, उन सब नोट्स में ये लिखी हुई है, आप वो लिख कर भी मुझे दिखा सकते हो। ताकि दिखाना जरूरी बच्चों इसलिए है कि मिसाल के तौर पे वो इनफ है या नहीं है, उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये चीज़ जरूरी होती है। अब कुछ बच्चे नोट्स तो बना लेते हैं लेकिन वो इनफ नहीं होते चेकर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके मार्क्स पूरे नहीं मिलते उनको, तो लगता है हम पूरा लिख कर आए लेकिन फिर उसके मार्क्स नहीं मिल रहे होते। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम प्लाज्मा फिजिक्स पे। प्लाज्मा बेटा क्या होता है, तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, एक होता है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये है तीन नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। हमारा जो मैटर है वो इन तीन स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इन तीनों के बारे में आप लोग जानते होंगे, सॉलिड जो है वो हार्ड होता है, डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड जो है उससे डेफिनेट शेप नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, गैस का डेफिनेट भी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, उसको जिस कंटेनर में रखें वैसी हो जाती है। ये प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा बहुत सा स्टेट है जो नेचुरल नहीं होता, ये इंसानों ने खुद बनाया है। इंसानों ने थोड़ी सी इंजीनियरिंग करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस स्टेट को बनाया है। इस स्टेट को बनाने का मकसद क्या है, इस स्टेट को बनाने का मकसद बच्चों ये है कि जैसे जेली स्ट्रक्चर होता है, जेली स्ट्रक्चर होता है, तो समझो ये जेली स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की चीज होती है। अब ये बनता कैसे, अगर ये बनता कैसे ये समझ में आ गया तो इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। ये बनता है इस तरीके से बच्चों, आपको पता है जो आयंस होते हैं केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आओगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, ऐसा ही है ना। अगर मैं एक जार के अंदर, अगर बच्चों में एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव भर दूं तो क्या होगा, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे और इस तरीके से रिपेल करेंगे जैसे कोई चीज लेयर की फॉर्म में सुकून से बैठी होती है, तो ये लेयर की फॉर्म में सुकून से नहीं होंगे, ये रिपेल करने की वजह से क्या होगा, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे और एक सॉफ्ट सा हमें मटेरियल दिखाई देगा जो कि प्रॉपर लिक्विड भी नहीं होगा और प्रॉपरली सॉलिड भी नहीं होगा। आप उसको हाथ मारेंगे उसका शेप चेंज हो जाएगा, सॉलिड में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एटम्स दूर दूर होने की वजह से, क्योंकि ये आयंस है, क्योंकि क्या है ये आयंस है, और इस आयंस को बनाने के लिए यहाँ पर खाली न्यूक्लियस रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, खाली न्यूक्लियस। खाली न्यूक्लियस का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सिर्फ न्यूक्लियस बचता है। तो उसकी डेफिनेशन अब आप लोगों को समझ में आएगी, प्लाज्मा फिजिक्स का, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स, ठीक है बच्चों, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स। इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग बुक में से देख रहे हो अपने पास तो आपको यही दिखेगी, प्लाज्मा फिजिक्स की क्या लिखी हुई है, या कोई भी नोट्स आप लोग जो भी फॉलो कर रहे हो बच्चों उसमें लिखी होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम्स फॉर्मिंग बेयर न्यूक्लियाई। ये शायद इसमें नहीं हो, हाईली आयनाइज्ड एटम तो जरूर लिखा हुआ होगा, अगर किसके पास बुक अभी ओपन हुई है तो वो देख सकता है भाई। तो बच्चों ये थी हमारे पास प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट की डेफिनेशन, सही है। इट इज अ स्टडी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाईली आयनाइज्ड एटम्स एंड बेयर न्यूक्लियाई, या प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सिंपली आप ये लिख सकते हैं प्लाज्मा स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बच्चों क्या होती है, इसमें हम एटम नहीं पढ़ते बल्कि एटम के अंदर आप सबको मालूम होगा कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते थे तो उसमें न्यूक्लियस पार्टिसिपेट नहीं करता था बल्कि इलेक्ट्रॉन आते और जाते थे, कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते थे, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाते थे, उसको बोलते थे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, और जब शेयर होते थे तो उसको बोलते थे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, केमिस्ट्री में आपने ये चीज देखी है ना। तो न्यूक्लियस में तो कुछ नहीं होता था, ये सारा काम जो है केमिकल बॉन्डिंग का वो कौन करते थे, वो करते थे इलेक्ट्रॉन्स, आना जाना या शेयरिंग वो इलेक्ट्रॉन्स की होती थी, जिसे बनता था आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या ये न्यूक्लियस भी कभी रिएक्शन करता है, क्या न्यूक्लियस के अंदर भी कोई चेंजिंग आती है, बिल्कुल आती है।
जो फिजिक्स की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि मैटर से एनर्जी और एनर्जी से मैटर भी बन जाती है, जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, वो न्यूक्लियर फिजिक्स ही तो है। तो इसके अंदर हमारा मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और एनर्जी बन जाती है, यानी कि जब भी एटम का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, तो ये जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा। रेडिएशन को आम लफ्जों में समझ लें, एनर्जी निकालेगा। तो मैटर खत्म होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। जो फिजिक्स की डेफिनेशन का थर्ड पॉइंट था, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जन। मैटर कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर बॉम्ब और जो है न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह बनाई जाती है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम न्यूक्लियस को आपस में रिएक्शन करवा देते हैं, या न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या न्यूक्लियस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके नतीजे में इतनी एनर्जी निकलती है कि वो एटम बॉम्ब की शक्ल एक्सार कर लेती है, या उससे हम बिजली बना सकते हैं, या बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम जब ये पढ़ेंगे तो इसके मैं डिटेल आपको तब बताऊंगा कि न्यूक्लियर एनर्जी किस किस काम में लाई जाती है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, NUCLEI, कि जब भी दो न्यूक्लियाई आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी, फिजन रिएक्शन होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। एक न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस भी बन सकते हैं, इसको बोलते हैं फिजन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस भी बन सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बन जाना। तो जब भी न्यूक्लियस आपस में रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है बेटा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स? न्यूक्लियर फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियाई का मतलब क्या बताया मैंने आपको? न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। किसी को कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है बेटा, तो वो चैट में या रेज हैंड करके पूछ सकता है। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेटा आपके पास पूरा एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब वो चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, फिजिक्स में हम ये नहीं देखेंगे कि क्लोरीन का है या सोडियम का है या आयोडीन का है। हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। चार्जेस के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे क्लोरीन का, आयोडीन का, फ्लोरीन का, वो पढ़ना था हमने केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम देखेंगे कि चार्ज अगर रुका हुआ है ना बेटा, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो स्टैटिक चार्ज कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो है सर्दियों में कपड़ों में से स्पार्क पैदा होता है, या किसी चीज़ को हम हाथ लगाएं तो हमें करंट सा लगता है हल्का सा थोड़ा सा। वो जो करंट है या वो जो स्पार्क या वो जो चार्ज हमें लगता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप दोनों चीज़ें पढ़ोगे बेटा, स्टैटिक चार्ज भी पढ़ोगे, स्टैटिक भी पढ़ोगे, और मूविंग का मतलब है चलती हुई भी पढ़ोगे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलग है, और सिंपल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के चलने को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो अलग है, वो मूविंग है। लेकिन बच्चों हम फिजिक्स के इसको एक ही चैप्टर में पढ़ेंगे दोनों को। कुछ बुक्स जो हैं, कुछ बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, उसके अंदर ये दो अलग अलग चैप्टर होते हैं। जैसे फेडरल बोर्ड की बुक में भी इन दोनों को अलग पढ़ाया जाता है, ओ लेवल्स की बुक में भी इनको अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे पास इन दोनों को एक ही चैप्टर में इंक्लूड किया है इलेक्ट्रिसिटी के नाम से। हैं दोनों एक ही चीज़, बस एक में क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रुका हुआ करंट, और एक में मूविंग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली जिसको हम बोलते हैं, जो करंट हम बोलते हैं, ठीक है। ये करंट कैसे बनता है? जब चार्ज चलने लग जाते हैं, जब चार्जेस क्या होते हैं, चलने लग जाते हैं। तो भाई जब वो चल रहे हैं तो हम उनको पढ़ेंगे क्यों? हम उनको इसलिए पढ़ेंगे भाई कि उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। उनके इफेक्ट से पढ़ के हमें समझ में आया कि हम पंखा भी चला सकते हैं, बल्ब भी चला सकते हैं, टीवी भी चला सकते हैं, है ना। जब पढ़ा तो समझ में आया ना। तो इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्ज। प्रॉपर्टीज भी लिखना है और साथ में क्या भी लिखना है, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट, यानी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे चलेगा, कब नहीं चलेगा, वोल्टेज देंगे तो चलेगा, वोल्टेज नहीं होगा तो नहीं चलेगा, स्विच ऑन करेंगे तो करंट चलेगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो करंट नहीं चलेगा, और जब चलेगा
तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। जब आयरन में से पास होगा तो आयरन को गर्म कर देता है, बल्ब में से पास होता है तो बल्ब को लाइट कर देता है, रोशन कर देता है, उसमें से लाइट निकलना शुरू हो जाती है। एसी में से पास होता है तो कूलिंग स्टार्ट कर देता है ना। चूल्हे में से इलेक्ट्रिक स्टोव में से पास होता है तो उसको गर्म कर देता है, उससे खाना पका लेते हैं हम लोग। तो इफेक्ट्स क्या क्या होंगे वो भी पढ़ेंगे, और चलता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी हम वो भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स। क्या क्या पढ़ते हैं इसमें हम, प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ मूविंग चार्ज। क्योंकि असल में बिजली हम मूविंग चार्ज को ही बोलते हैं, रुके हुए चार्ज को हम बिजली नहीं बोलते, उसको एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन हमें एक ही चैप्टर में दोनों पढ़ाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में क्या होता है, मूविंग चार्ज, चलते हुए चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन होते हैं, जब ये चलना शुरू हो जाते हैं ना बच्चों, तार के अंदर से पास होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। अब इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बच्चों, देखो एक चीज है इलेक्ट्रिसिटी, करंट जिसको हम बोलते हैं करंट, हमें लगता है बड़ा जबरदस्त तरीके से इफेक्ट हमने उसका देखा है। इसी तरीके से बचपन से आप लोग एक चीज देखते आ रहे हो, मैग्नेट है ना, और थोड़ा बहुत आइडिया तो है कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा मटीरियल होता है जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। इसके पास कोई दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटीरियल लाओगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, है ना, जो होता है ना मैग्नेट। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ओस्टेड, बड़ा अजीब सी स्पेलिंग है, OERSTED, ओस्टेड। इस साइंसदान ने, ये चैप्टर है बेटा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, पूरा एक टॉपिक है आपके पास डिटेल में, वो हमने पढ़ना है। मैं अभी सिर्फ इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो डेफिनेशन समझाने के लिए आपको ये सारी बातें समझा रहा हूँ। ओस्टेड ने स्टडी किया कि जब एक तार में से करंट पास हो रहा था ना, जब एक तार में से करंट पास हो रहा है, समझो ये वायरस में से करंट पास हो रहा है, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, तो इस तार में एक मैग्नेट पैदा हो गया। जैसे एक मैग्नेट की फील्ड होती है ना, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फील्ड होती है, नजर नहीं आती है हमें, लेकिन जब इसके पास कोई चीज लेकर आएंगे तो उसको अट्रैक्ट कर रिपेल करेगी। तो इसी तरीके से इस तार के गिर्द एक फील्ड बन गई, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है उसने डिस्कवर कर लिया कि भाई बिजली और मैग्नेट में कोई ना कोई ताल्लुक है, ये एक दूसरे के कजन है। जब भी किसी चीज में से बिजली पास होगी उसमें मैग्नेट पैदा हो जाएगा, हालांकि मैग्नेट तो नॉर्मल होता है। तो इस स्टडी को, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कंबाइन इफेक्ट को पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म बच्चों एक अलग चीज है, बिजली एक अलग चीज है, लेकिन एक साइंसदान ने डिस्कवर किया कि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ ताल्लुक है, कि जब भी बिजली पास की जाती है किसी चीज में से, उसमें एक मैग्नेट भी पैदा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने नाम से ही आसान है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट को हम बोलेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेट पैदा होने को हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमारे खास समझ में आ गई होगी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंबाइन इफेक्ट पढ़ते हैं। कंबाइन इफेक्ट का मतलब है दोनों एक दूसरे पे कैसे अमल दरामद होते हैं। इसके मैं सिंपल सी मिसाल दूंगा बेटा, जो मोबाइल का एंटीना तो खराब नहीं होता, जो एंटीनाज होते हैं ना एंटीनाज, वो एंटीना सिग्नल कैसे कैच करते हैं, क्योंकि बेटा उनके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा होता है, उनके पास आ रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। मिसाल के तौर पर एंटीना क्या करता है, वो उस मैग्नेट को कैच कर लेता है, मैग्नेट को यहीं पर खत्म कर देगा और अंदर चले जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि टीवी पे जाके हमें फिर पीटीवी या रेडियो कुछ भी सुनाएगा। हवा में जो आ रहा होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होता है मैग्नेटिज्म भी होता है। एंटीना को कैच करने के लिए बिजली नहीं चाहिए, अगर आप कभी एंटीना को हाथ लगा लो तो करंट नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसमें बिजली नहीं होती। वो क्या करता है, इसके मैग्नेट को कैच कर लेता है और जो पीछे बिजली बचती है उसको अंदर भेज देता है, घर के अंदर तारों के थ्रू, वो हम टीवी पे या रेडियो पे उसमें से फिर जो भी चैनल में आ रहा होता है वो सुन लेते हैं, ठीक है। अब तो एंटीना बहुत ही छोटे हो गए कि हमें दिखाई नहीं देते, चिप एंटीना आ गए। पहले आपके जो नए नए मोबाइल थे ना बच्चों, जब नए नए मोबाइल बने थे, समझो इतना बड़ा मोबाइल है तो उसमें इतना बड़ा एंटीना होता था एक, और कितना सोचो अजीब सा लगता होगा मोबाइल लेके घूमते हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, इस एंटीना की लेंथ कम होती रही, फिर 3G टेक्नोलॉजी आ गई, 3G टेक्नोलॉजी में तो एंटीना गायब ही हो गया,
वो गायब नहीं हुआ बच्चों, एंटीना अभी भी है। अब आ गया चिप एंटीना। ये चिप एंटीना क्या होता है, ये मोबाइल के अंदर लगा होता है, जैसे सिम लगाते हैं ना, सिम लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो ये चिप की तरह मोबाइल के अंदर ही कहीं ना कहीं लगा हुआ है। ठीक है, एंटीना तो है, एंटीना के बगैर सिग्नल आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी नहीं। जैसे वाईफाई राउटर देखा होगा आपने, वाईफाई राउटर के पीछे एक स्टिक लगी होती है, उसको एंटीना बोलते हैं। ये एंटीना से ही जो है वो सिग्नल्स निकलते हैं और रिसीव होते हैं। एंटीना जरूरी है, लेकिन अब आप बोलेंगे सर मोबाइल में एंटीना कहाँ गया, तो वो एंटीना है लेकिन अब वो चिप एंटीना हो चुका है जो मोबाइल के अंदर लगा दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जब मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारी बातें बताऊंगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ी, सैटेलाइट कैसे काम करता है, या कभी कभी एंटीना बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी एंटीना छोटे होते हैं, कहीं पर डिश जो है वो बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों की डिशेज इतनी छोटी होती है कि उन्होंने घरों पर लगाई होती है, गाड़ी के ऊपर भी डिश लगी हुई होती है, अक्सर ऐसा होता है। तो वो ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे डिटेल। अब आते हैं हम एस्ट्रोफिजिक्स पे। एस्ट्रोफिजिक्स अपने नाम से ही आसान है बेटा, एस्ट्रो का मतलब निकला है एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमी। हॉरोस्कोप देखते होगे ना, हॉरोस्कोप, विर्गो, लिब्रा और जेमिनाय। आज आपके साथ ही अच्छा होने वाला है, आज अब्दुल राफे का जो है वो लॉटरी में नाम निकलने वाला है, अगर आज अब्दुल राफे जो है वो ये करेंगे तो अब्दुल राफे जो है वो फला इनाम पा जाएंगे, ये सारे नहीं, वो तो हॉरोस्कोप है। लेकिन सितारों के बारे में, चांद के बारे में और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ने को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसकी पूरी ये साइंस की ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच नहीं है एस्ट्रोनॉमी, ये साइंस की ब्रांच है। लेकिन जब हम फिजिक्स में इनको स्टडी करते हैं, जब हम फिजिक्स में प्लैनेट्स को स्टडी करेंगे, जब हम फिजिक्स में मून को स्टडी करेंगे, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम बच्चों क्या बोलेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या होती हैं, इसकी कंफ्यूजन है, मैं भी एक हफ्ते में ये लेक्चर को 10-12 दफा दे चुका हूँ अलग अलग जगहों पे, और मैं सबको यही बात बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का मतलब होता है ऐसी बॉडीज जो दुनिया से बाहर हैं या दुनिया से बड़ी हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है, दुनिया से बड़ी नहीं होती है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, जरूरी नहीं है कि वो दुनिया से बड़ी हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, K2 का एक पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट है, वो बहुत बड़ी माउंटेन है, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन मेरे ख्याल से माउंट एवरेस्ट है शायद, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि दुनिया के अंदर नहीं आ सकती, इतनी बड़ी तो नहीं है ना भाई, दुनिया से तो छोटी है, दुनिया के अंदर ही मौजूद है। अब हम बात करते हैं सन की। सन एक इतनी बड़ी बॉडी है कि दुनिया से बहुत बड़ी है, अगर इतना बड़ा है ना सन बच्चों, तो इतनी सी है दुनिया उसके सामने, ये छोटा सा डॉट, इतनी छोटी है दुनिया, इसका मतलब है सूरज को दुनिया के अंदर तो नहीं ला सकते आप, है ना, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो गई। लेकिन क्या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दुनिया से बड़ी होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं एक तीसरी चीज की, जो कि है मून। मून, मून एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, लेकिन क्या मून दुनिया से बड़ा है, कोई बता सकता है मून दुनिया से बड़ा है छोटा है? जो मून साहब है बेचारे वो दुनिया से बहुत छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं है कि दुनिया के अंदर आ जाएं, समझ में आई बात? तो ऐसी चीजें जो दुनिया के अंदर नहीं आ सकती, दुनिया के अंदर नहीं समा सकती, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी। उसके लिए दुनिया से बड़ा होना जरूरी नहीं है बेटा, जैसे अब्दुल राफे बोले मैं छोटे 1-2 साल के बच्चे को गोद में उठा लूंगा क्योंकि मुझसे छोटा है, बिल्कुल उठा लेगा। लेकिन अब्दुल राफे बोले मैं हमजा को भी उठा लूंगा गोद में, तो हमजा उससे छोटा होगा मे बी, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि गोद में उठा ले अब्दुल राफे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दुनिया से छोटी या दुनिया से बड़ी होना जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसी चीजें दुनिया के अंदर नहीं आ सकती, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। मून, सन, स्टार, प्लैनेट और डिफरेंट तरह के एस्टेरॉयड और मीटियोरॉयड, जो पत्थर हैं जो दुनिया के बाहर घूम रहे हैं, ये सब एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। इनके बारे में जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं बच्चों के, ये क्यों घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, गोल क्यों घूम रहे हैं, चलते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, ये गोल चक्कर कैसे लगाते हैं, सीजन कैसे आते हैं, ये सब चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इस
ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। क्लियर है। अब लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स से हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई इंसानी बॉडी जो है वो हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या हम उसको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते कि भाई आपके बॉडी के अंदर ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आप ये दवाई खा लें तो ठीक हो जाएंगे, आप ये दवाई खा लें तो ठीक हो जाएंगे। ये केमिस्ट बताता ना, ये बायोलॉजी थोड़ी बताती है, ये केमिस्ट बताता है कि रिएक्शन कौन कौन से हो रहे हैं बॉडी के अंदर, खाना हमारा डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, हमें खाने के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए। ये बायोलॉजिकल स्टूडेंट नहीं बताएगा, ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट बताएगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं कि अल्लाह ताला ने मेरी बॉडी में रिब केज बनाया है, उस रिब केज की स्ट्रक्चर ने ऐसा बनाया फेफड़े प्रेस हो जाते। ठीक है, तो ये सारी फिजिक्स लगाई है ना हमारी बॉडी में कि इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए, इस पे प्रेशर इतना लगना चाहिए, हम भाग सकते हैं तो कैसे आराम से भाग सकते हैं। ये सब चीजें जब हम इंसानी बॉडी को फिजिक्स की नजर से देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज्वाइंट कैसे हैं, हड्डियां कैसी हैं, उसको हम बोलते हैं बायोफिजिक्स। ठीक है, बायोलॉजिकल बॉडीज के बारे में जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो दैट इज बायोफिजिक्स। इन सब ब्रांचेस को पढ़ के रखिएगा, लिख कर रखिएगा, मैं आज होमवर्क भी असाइन कर दूंगा और आप लोग मुझे सबमिट कराएंगे फिर ये होमवर्क तस्वीर, मोबाइल से तस्वीर लेके। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों की मीटिंग टाइम एंड होने वाला है और किसी को कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर ले।